सोमवार को निकाली गई यात्रा के दौरान भड़की हिंसा मामले में गोरक्षक मोनू मानेसर का नाम भी सामने आ रहा है। मोनू मानेसर कौन है और इसका क्या है नूर हिंसा से कनेक्शन, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। 31 जुलाई सोमवार को नूह में शोभा यात्रा निकलने से पहले सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने लोगों से शोभा यात्रा में पहुंचने की बात कही थी। वीएचपी की शोभा यात्रा से करीब एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी थी और कहा जा रहा था कि मोनू मानेसर इस शोभा यात्रा में आएगा और यही वजह थी कि दूसरा समुदाय भड़का हुआ था। और जब ये शोभा यात्रा निकली तो दोनों समुदाय के बीच जमकर हिंसा हुई। पुलिस का कहना है कि मोनू मानेसर का वीडियो वायरल होने और फिर इंटरनेट पर उसे डिलीट करने के मामले के बाद हालात बिगड़ने लगे और ये एक जांच का विषय है। इतना ही नहीं, नूह में हुए दंगे में मोनू मानेसर की भूमिका की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई है। पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी करेगी। मोनू मानेसर पर पटौदी थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज है, जिसकी जांच अभी भी लंबित है। तो वहीं राजस्थान के जुनैद और नासिर की हत्या में भी वो वांटेड है। आपको बता दें कि 15 फरवरी 2023 को 25 साल के नासिर और 35 साल के जुनैद का हरियाणा के नूह से अपहरण हो गया था और अगले दिन हरियाणा के भिवानी के लोहारू में एक जली हुई जीप से जुनैद और नासिर के अधजले शव बरामद किए गए। ये दावा किया जा रहा था कि जुनैद और नासिर दोनों गौ तस्करी में शामिल थे, जिसकी वजह से गौ रक्षकों ने उनकी निर्ममता से पिटाई की और इसके बाद उन्हें उनकी ही जीप में जिंदा जला दिया गया। और इस पूरे कांड में राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को मुख्य आरोपी बनाया था। आपको बता दें कि कागजातों में राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को ढूंढ रही है, लेकिन वो हरियाणा में खुलेआम घूमता हुआ नजर आता है। यहां तक कि नूह हिंसा में भी मोनू मानेसर का नाम सामने आ रहा है। हिंसा की आग गुरुग्राम तक फैल गई है, जिसमें 2 होमगार्ड और 1 मौलवी समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि इस पूरी हिंसा के पीछे मोनू मानेसर का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन ये मोनू मानेसर कौन है जिसकी वजह से हरियाणा से लेकर राजस्थान तक हिंसा की आग भड़की हुई है। तो आपको बता दें कि जो मोनू मीडिया को दनादन इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन राजस्थान पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही। मोनू मानेसर के सोशल मीडिया में लाखों फॉलोअर्स भी हैं। मोनू मानेसर पर अक्सर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगता रहा है और नूह की हिंसा में भी उस पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डालने का आरोप लगा है। हालांकि इन सभी आरोपों से मोनू खुद को बरी कर रहा है और तमाम बातों को नकारता हुआ नजर आ रहा है। मोनू मानेसर का असली नाम मोहित यादव है। वो खुद को बजरंग दल का सदस्य और गौरक्षक बताता है। हरियाणा में वो गौरक्षक दल का प्रमुख भी है। मोनू हरियाणा के मानेसर का रहने वाला है। मोनू कथित तौर पर गौ तस्करी के बारे में पुलिस को जानकारी भी देता है। इसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब एक हफ्ता पहले से ही सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे थे, तब सीआईडी को नूह में शोभा यात्रा के दौरान कुछ अप्रिय होने का इनपुट भी मिला था, उसके बावजूद भी पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।